Hello friends. So friends, let us continue with overhead costing. And we were discussing about the absorption of overheads. Right? This is what we were discussing about, absorption of overheads. Ab last lecture mein humne kya kiya tha? Humne kiye the different methods of absorption. Different methods of absorption of overheads. Absorption of overheads kya hai? Ki jab hum production department ki total cost, that is after the primary distribution and the secondary distribution, the total cost is to be absorbed in the cost of the finished goods. Right? तो उसके लिए क्या है, हमें कोई ना कोई कैरियर चाहिए. कैरियर चाहिए मैंने बोला था, क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट एलिमेंट. क्लियर है? डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट एलिमेंट, राइट. तो उसके लिए हमने देखे थे कि हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल 6 मेथड्स हैं हमारे पास. हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन सा किया था? फर्स्ट मेथड किया था आउटपुट बेसिस, that is on the basis of actual output of all the production departments, every production department, right. लेकिन मैंने क्या बताया था कि ये method हम वहीं पे use कर सकते हैं अगर या तो हमारा single product है या हमारे identical products produce हो रहे हैं. clear है? तो ये था हमारे पास output basis. second हमारे पास आया था direct material cost. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज. इस मेथड में हमने क्या देखा था कि जो हमारे ओवरहेड्स हैं वो डायरेक्ट मटेरियल का कितना परसेंट हम एब्जॉर्ब करेंगे, राइट. इसलिए हम इसे परसेंटेज में निकालते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विल बी द ओवरहेड्स दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड, राइट. ये मेथड हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पर हमारी जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है दैट इज द मेजर एलिमेंट, जहां पे उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, राइट. फिर थर्ड हमने देखा था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. राइट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या था कि जितनी भी हमारी डायरेक्ट लेबर की टोटल कॉस्ट है उसका कितना परसेंट हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करेंगे इन द फिनिश्ड गुड्स. क्लियर? ये कहां पर यूज करते हैं, जहां पर लेबर कॉस्ट हमारी ज्यादा है देन द मटेरियल कॉस्ट. फिर हमारे पास जो फोर्थ मेथड हमने डिस्कस किया था दैट वाज प्राइम कॉस्ट मेथड. अगेन परसेंटेज. प्राइम कॉस्ट क्या है? प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, राइट. ये मेथड हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों की कॉस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है, राइट. वहां पर हम दोनों को ऐड करके हम एक नई कॉस्ट निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट. क्लियर? तो ये जो चार मेथड थे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, आउटपुट बेसिस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट परसेंटेज. अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं बिफोर मूविंग टू द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ मेथड. पहले इन चार मेथड्स के बेसिस पे ही हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लेंगे, उसके बाद हम फिफ्थ मेथड और सिक्स्थ मेथड डिस्कस करेंगे, राइट. अ मैन्युफैक्चरर फाउंड दैट हिज प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड has been as follows. Direct wages 80,000, right? That is direct labor cost. This wages is what? This is your direct labor cost, right? Direct material cost 20,000. This total 1 lakh. What is this 1 lakh? This is your prime cost. As I told you, prime cost is what? A combination of direct labor cost and the direct material cost. That is a total of direct wages and the direct material cost, right? Production overheads 1,60,000. Total cost is 2,60,000. This is what? Total overheads of the
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टोटल ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट? दैट इज, दिस इज आफ्टर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन टोटल ओवरहेड्स, क्लियर? सो माई टोटल कॉस्ट फॉर दैट यूनिट इज 2,60,000. अब उसने बोला कि डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ जॉब 155. उसने एक पर्टिकुलर जॉब का अब हमें डेटा दिया, चाहे इसको जॉब मान लो, चाहे इसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मान लो, राइट? तो उसने क्या बोला कि उस जॉब या प्रोडक्ट पर हमारे डायरेक्ट वेजेस थे 800, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी रुपीज 3,000, द जॉब कंसिस्ट ऑफ इरेक्टिंग अ स्मॉल बिल्डिंग. You are required to calculate the works overhead chargeable to job 155 using the following methods: material cost rate, labor cost rate and prime cost rate. ठीक है, चलो let's do it. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम डेटा लिख लेंगे. अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी दी है हमें, 80,000, राइट? और डायरेक्ट मटेरियल 20,000, 80,000, राइट? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वी आर गिवन इज 20,000, राइट? तो हमारे पास 1,00,000 के क्या होगी, ये हमारे पास आ गई प्राइम कॉस्ट, राइट? और हमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए गए. प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हमारे पास, 1,60,000. अब वो कहता है तीन मेथड यूज करने हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट, राइट? तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, मटेरियल कॉस्ट मेथड. मटेरियल कॉस्ट मेथड, राइट? अब मटेरियल कॉस्ट मेथड में हमने क्या कहा था, मटेरियल कॉस्ट में बोला था हमने बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, राइट? अब यहां पर मेरे बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं, 1,60,000, और मेरी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या है, 20,000, राइट? मल्टीप्लाइड बाय 100, क्लियर? सो दिस कम्स टू 800%. इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी हमारी मटेरियल की कॉस्ट है, राइट, उसका 800% हमें ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करना है. अब अगर एक जॉब की बात करें, अब अगर जॉब 155 की बात करें, राइट, तो मेरे पास ओवरहेड्स कितने एब्जॉर्ब होंगे, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू 800%, सॉरी 800% ऑफ मटेरियल कॉस्ट. अब जॉब 155 पे मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 3,000 रुपीज, राइट? तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 800% ऑफ 3,000 रुपीज, रुपीज 24,000. इसका मतलब अगर मेरी मटेरियल कॉस्ट 3,000 है तो मेरे ओवरहेड्स कितने होंगे, 24,000, क्लियर? अगर हम मटेरियल कॉस्ट मेथड लगाएं तो हमने कहा बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दोनों चीज़ें दी हुई हैं, परसेंटेज निकाल ली कि अगर मेरी मटेरियल कॉस्ट 20,000 है तो मेरे ओवरहेड्स कितने होंगे, 800% ऑफ 20,000, राइट? तो अब एक पर्टिकुलर जॉब की हमें इन्फॉर्मेशन दी है, उसने कहा एक पर्टिकुलर जॉब पे जो मेरे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है दैट इज 3,000 रुपीज, तो यहां पर मेरे ओवरहेड्स कितने होंगे, 800% ऑफ 3,000, 24,000. अब मुझे ये बताओ जॉब 155 की टोटल कॉस्ट क्या होगी,
अगर मैं जॉब 155 की बात करूं तो टोटल कॉस्ट क्या होगी मेरे पास? एक तो आएगी मेरे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, राइट? डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट मुझे क्या दी हुई है यहाँ पर? 800। फिर मेरे पास आएगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मुझे क्या दी है? 3000, राइट? तो मेरी प्राइम कॉस्ट क्या होगी? 3800, राइट? अब मेरे ओवरहेड्स कितने हुए जॉब 155 पर? अगर मैं मटेरियल कॉस्ट मेथड लगाता हूँ तो 800, ये 800% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, दैट इज 24,000। तो ये मेरे ओवरहेड्स हो गए। टोटल कॉस्ट मेरी जो आई इस जॉब 155 की अंडर द मटेरियल कॉस्ट मेथड, दैट कम्स आउट टू 27,800 रुपीज। क्लियर है? हमने क्या किया, सबसे पहले परसेंटेज निकाल ली कि मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का कितना परसेंट हमारे ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होंगे। क्लियर? चलो, ये हो गया हमारे पास पहला मेथड। अब करते हैं जी दूसरा मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास आया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इसमें हमने क्या कहा था? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यही बोला था हमने। अब बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं हमारे? 1,60,000। और हमारी जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो कितनी है? 80,000, राइट? मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? सो दिस कम्स टू 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हमारी लेबर कॉस्ट है उसका 20% इज गोइंग टू बी माय ओवरहेड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द फिनिश्ड गुड्स। अब बात कर लेते हैं जॉब 155 की। अब जॉब 155 में मेरे कितने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होंगे? एब्जॉर्ब्ड ये होगा 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ जॉब 155। तो इसका मतलब हुआ 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है इसकी? 800, राइट? सो दिस कम्स टू ₹1,600। क्लियर? अब अगर हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड यूज किया, अब बताओ जॉब नंबर 155 की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी? सबसे पहले तो मेरे पास आई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 800, राइट? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 3000, राइट? तो मेरी प्राइम कॉस्ट क्या होगी? 3800। ये तो उतनी रहेगी सेम ही। अब मेरे ओवरहेड्स क्या है? ओवरहेड्स मेरे पास आए 1600, राइट? सो माई कॉस्ट विल बी 5400। जो मेरी ओवरहेड की कॉस्ट है अंडर दिस लेबर कॉस्ट मेथड, दिस विल बी 5400। डायरेक्ट मटेरियल में कितनी थी? 27,800। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड से मेरी कितनी आ गई? 5400, राइट? समझ में आया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड हमने कैसे यूज किया? अब हमारे पास आया थर्ड मेथड जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। उसने कहा प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के लिए हमने क्या कहा था? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्राइम कॉस्ट, राइट? अब बजटेड ओवरहेड्स क्या है मेरे? 1,60,000।
डिवाइडेड बाय मेरी प्राइम कॉस्ट क्या है जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट की. दिस इज माय प्राइम कॉस्ट. कितनी है? 1 लाख रुपीज. 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100. सो दिस कम्स टू 160%. राइट. दैट मीन्स अगर हम दोनों लेबर कॉस्ट और लेबर सॉरी मटेरियल कॉस्ट को जोड़ के प्राइम कॉस्ट की अगर परसेंटेज निकालें तो उसका 160% विल बी माय ओवरहेड्स. राइट. अब बात करें हम जॉब नंबर 155 की. यहां पर मेरी प्राइम कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 800 प्लस मटेरियल कॉस्ट है 3000. देख लो यहां से एक बार. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 800, मटेरियल कॉस्ट 3000. राइट. दिस कम्स टू 3800. तो मेरे ओवरहेड्स जो हैं वो कितने ऑब्जर्व होंगे? 160% ऑफ 3800. 160% ऑफ 3800. राइट. सो यू कैन डू दिस कैलकुलेशन. ओके जस्ट वेट, विल डू इट. 3800. दिस कम्स टू 6080 रुपीज. 6080 रुपीज मेरे ओवरहेड्स होंगे जो मेरे एब्जॉर्ब होंगे. क्लियर है? अब इस केस में अगर जॉब नंबर 155 की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो कितनी होगी? डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है? 800. राइट. डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 3000. राइट. तो 3800 मेरी क्या हो गई? प्राइम कॉस्ट. अब मेरे ओवरहेड्स कितने हैं? 160% ऑफ दिस 3800, जिसको हमने बोला 6080. तो 9880 विल बी माय टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 155. क्लियर? राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स, द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन अंडर द वेरियस मेथड्स. अब कौन कौन से तीन मेथड कर लिए हमने? मटेरियल कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड और प्राइम कॉस्ट मेथड. क्लियर? आई होप दिस मच इज क्लियर. राइट. अब हमारे पास जो हम मेथड्स कर रहे थे, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन. अब इसमें हमारे पास आया फिफ्थ मेथड. जो फिफ्थ मेथड है दैट इज डायरेक्ट लेबर आर मेथड, डायरेक्ट लेबर आर रेट. अब इसमें वो क्या बोलता है कि हमें डायरेक्ट लेबर आर रेट कैसे कैलकुलेट होगा? बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, कि आपकी फैक्ट्री में आपकी लेबर ने कितने घंटे काम किया. डायरेक्ट लेबर आवर्स क्या है? डायरेक्ट लेबर ने, जो लेबर आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उसने कितने घंटे काम किया, उसके बेसिस पे हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करेंगे. तो बजटेड फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स. डायरेक्ट लेबर आवर्स से मतलब क्या है? नंबर ऑफ आवर्स द लेबर वर्कड इन योर फैक्ट्री. दिस इज नंबर ऑफ आवर्स लेबर वर्कड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. राइट. जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की लेबर है उसने कितने घंटे काम किया, उसके बेसिस पे हम
जो ओवरहेड्स का है वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे. सो दिस इज डायरेक्ट लेबर आर मेथड. क्लियर? अब ये मेथड कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है हमें? ये मेथड हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे लेबर इंटेंसिव वर्क है. जहाँ पे लेबर इंटेंसिव वर्क है. लेबर इंटेंसिव वर्क से मतलब क्या है? जहाँ जिस फैक्ट्री में लेबर का काम ज़्यादा है, मशीन का काम कम है, वहाँ पर हम डायरेक्ट लेबर आर रेट के हिसाब से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं. क्लियर? जहाँ पर लेबर का काम ज़्यादा है, मशीन का काम कम है. राइट? तो ये था हमारे पास फिफ्थ मेथड. अब आया हमारे पास एक लास्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं मशीन आर रेट. मशीन आर रेट मेथड. अब वो बोलता है कि मशीन आर रेट मेथड में मेरे पास क्या है? बजटेड ओवरहेड्स हैं. ऊपर तो वही रहेगा, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है. क्यों? क्योंकि हमने ओवरहेड्स को ही अब्सॉर्ब करना है. डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आर्स. ऊपर मैंने कहा कि कितने घंटे आपकी लेबर ने काम किया. अब यहां पर मैं बोलता हूं कितने घंटे आपकी मशीन ने काम किया. दिस इज नंबर ऑफ आवर्स मशीन वर्कड इन प्रोडक्शन. इसका मतलब एक फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए, दैट इज प्रोडक्शन में, एक मशीन ने कितने घंटे काम किया. जितने घंटे काम किया उतने घंटे ओवरहेड्स हुए, उतने घंटे के हिसाब से हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करेंगे. राइट? फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए मशीन काम कर रही है. मशीन काम कर रही है तो उस जितनी देर मशीन चल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे ओवरहेड्स हो रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है मशीन को चलाने के लिए, फ्यूल यूज़ हो रहा है मशीन को चलाने के लिए. राइट? तो कुछ ना कुछ तो ओवरहेड्स हो रहे हैं ना मशीन को चलाने के लिए. तो वो कहता है उन ओवरहेड्स को मशीन आवर्स के बेसिस पे एब्जॉर्ब करो कि कितने घंटे आपकी मशीन चली, उसके बेसिस पे आप प्रोडक्शन अपने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करो. राइट? अब यहां पर इसकी यूसेज कहां कर सकते हैं हम? जहां पे जो काम है दैट इज कैपिटल इंटेंसिव. कैपिटल इंटेंसिव और आई कैन से मशीन इंटेंसिव. इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर लेबर का काम कम है, मशीन का काम ज्यादा है. राइट? अगर लेबर का काम ज्यादा है तो आप लेबर रेट से करोगे, अगर मशीन का काम ज्यादा है तो मशीन आर रेट मेथड से करोगे. क्लियर है? अब अगर मशीन आर रेट मेथड की बात करें, इसमें छोटी सी बात एक और है कि वो कहता है हम यहां पर लेते हैं इफेक्टिव मशीन आर रेट. सर, इफेक्टिव मशीन आर रेट से मतलब क्या है हमारा? सर, जब भी हम अगर इफेक्टिव मशीन आर रेट की बात करेंगे इफेक्टिव मशीन आर रेट है कि मेरा टोटल मशीन आर कितना था. सॉरी, इफेक्टिव मशीन आर्स की बात करूंगा, नॉट रेट. इफेक्टिव मशीन आर्स, टोटल मेरे मशीन आर्स कितने थे. राइट? माइनस नॉर्मल आइडल टाइम ऑफ मशीन. अब अगर लेबर कॉस्टिंग की बात करो, वहां पे हमने क्या पढ़ा था? इफेक्टिव लेबर आवर्स कितने हैं. वहां पे मैं क्या बोला था? टोटल लेबर आवर्स माइनस द नॉर्मल आइडल टाइम ऑफ लेबर. यहां पर हम बात करेंगे इफेक्टिव मशीन आवर्स कितने हैं, मतलब मशीन ने इफेक्टिवली कितने घंटे काम किया प्रोडक्शन में. इफेक्टिवली से मतलब है कि कितने घंटे में उसने एक्चुअल प्रोडक्शन की है. राइट? तो वो कहता है जितने तो टोटल घंटे लगे, जितने टोटल घंटे मशीन चली, उसमें से नॉर्मल आइडल टाइम हटा दो मशीन का. अब सर, नॉर्मल आइडल टाइम क्या हुआ? नॉर्मल आइडल टाइम ये हुआ कि मशीन हमारी फ्री पड़ी है लेकिन किसी एबनॉर्मल रीजन से नहीं पड़ी. मशीन को सर्विसिंग चाहिए टाइमली, तो उस सर्विस को जो टाइम लगेगा दैट इज माई नॉर्मल आइडल टाइम.
दूसरी चीज़ सेटअप टाइम है, मशीन को यूज़ करने से पहले उसे सेटअप करना पड़ेगा, राइट? तो दैट सेटअप टाइम इज नॉर्मल आइडल टाइम, मतलब जो मशीन का फ्री टाइम है जो होगा ही होगा, दैट इज अनअवॉइडेबल, दैट इज नॉर्मल, एक नॉर्मल रूटीन में वो होगा ही होगा, राइट? अब नॉर्मल क्या होता है, मशीन चलते चलते एकदम से ब्रेक डाउन हो गई, दैट इज़ नॉट नॉर्मल, दैट इज़ एबनॉर्मल। उसको रूटीन की सर्विसिंग चाहिए कि रोज़ उसको चलाने से पहले हमें सर्विस करना ही करना है, तो दैट इज़ नॉर्मल टाइम। तो इफ़ेक्टिव मशीन आर्स क्या है हमारे, टोटल मशीन आर्स माइनस द नॉर्मल आइडल टाइम ऑफ मशीनरी। तो हम जब भी मशीन आर रेट की बात करेंगे, जब भी यहाँ पर हम बजटेड मशीन आर्स लेंगे, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर बजटेड इफेक्टिव मशीन आर्स, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा, बजटेड इफेक्टिव मशीन आर्स, दैट इज अगर कोई आइडल टाइम है तो उसको रिमूव करेंगे ताकि हमें यह पता चले कि एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने घंटे यूज हुए हमारे, राइट? कि एक्चुअल प्रोडक्शन में हमारे कितने घंटे यूज हुए हैं, राइट? तो ये थे हमारे पास दो मेथड, डायरेक्ट लेबर आर मेथड और मशीन आर रेट मेथड। इसके साथ हमारे क्या हो गए, एब्जॉर्प्शन के हमने एक बार सभी मेथड्स कंप्लीट कर लिए, राइट? पहले चार मेथड्स के बेसिस पे हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी कर ली, क्लियर है? अब इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में विल डू अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन मशीन आर रेट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन मशीन आर रेट, राइट? जो आज हमने मेथड किया उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हमारे पास, बहुत अच्छी। हम ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट? सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सेंड मी एन ईमेल @ksjteaching@gmail.com, राइट? So feel free to send your queries. You can also join me on the Telegram app, right? Either search for KSJ Teaching, or I will be providing the link in the video description for the Telegram app, where I will be giving you the questions, the notes, all the important discussions we can take up here, right? So that's all for this lecture, friends. Thank you so much.